ऊपर लिख के सर्टिफिकेट लेके रोड पर बुआ रहा है। दो दो साल जो आदमी धूप में पसीना बहाता है, सड़क पर दौड़ता है, अपना फिटनेस लेवल मेंटेन करता है, और उसको आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो तो क्या करेगा? वो तो हतोत्साहित हो चुका है। तो हतोत्साहित युवा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये जो उम्र है ये बहुत ताकतवर उम्र है, इसको आप जैसे लगाइएगा वैसे जाएगा। हम ऐसा कह रहे हैं कि जब आप अभी देखे हैं कि वर्तमान में जब कश्मीर की मुद्दा थी, पंडितों की विस्थापन की बात थी, पूरे देश में जब मीडिया में हाईलाइट होने लगा था, तो सरकार एक नेता को अपने भाजपाई नेता को नूपुर शर्मा को आगे करके मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद पे माने गलत अल्पबाजी की, जिससे कि सारे देश में क्या हुआ, नफरत फैला और अहिंसक आंदोलन हो गया। तो सरकार जानबूझ के चाहती है कि ऐसी आंदोलन हो और बातों को डाइवर्ट किया जा सके, एक बात को डिल्यूट किया जा सके दूसरी बात हो। देखिए, यह बहका करके यदि इस तरह का अंजाम देना चाहते थे तो इतना आक्रोश लोगों में नहीं पड़ता। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसके बाद आप 4 साल के लिए युवा को आप इसमें बांधना चाहते हैं, उसे सेवा लेना चाहते हैं। जो युवा का गोल्डन पीरियड वो एज होता है, जिस एज में करना 22 साल की, उसका उसी में अपना भविष्य बनाना रहता है। उस भविष्य को 4 साल में आप सीमित करना चाहते हैं, बच्चा और आगे कहाँ जाएगा? उग्र आंदोलन कहीं से उचित नहीं है, संपत्ति को जलाना कहीं से उचित नहीं है, और ये जो कर रहे हैं वो या तो नासमझी में कर रहे हैं या फिर वो बात नहीं समझ रहे हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी के कांग्रेस दफ्तर में, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कांग्रेस के ही कई नेता हैं और साथ में एक नेत्री भी हैं। हम सबों से बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे पर। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमानुल्लाह खान है, मैं समाज सेवी भी हूँ और कांग्रेस पार्टी का पूर्व सचिव रह चुका हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। अमानुल्लाह जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि अभी एक ज्वलंत मुद्दा है अग्निपथ योजना, जिसको लेकर देख रहे हैं कि कल से ही बिहार ही नहीं बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया है। मधुबनी में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई ट्रेनें जलाई गई है, आज पंडोल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया है। क्या लग रहा है आपको, इस तरह से नुकसान जो बस को जलाया जा रहा है, ट्रेन को जलाई जा रही है, क्या लगता है, क्या है? सबसे पहले तो मैं भारत के एक एक नौजवान से ये अपील करना चाहता हूँ कि देश की संपत्ति सरकार की संपत्ति नहीं है, जनता की संपत्ति है, इसका भोग हम लोग करते हैं। आंदोलन करना, सत्य और अहिंसा जो गांधी का मार्ग है, उस मार्ग को अपनाकर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। उग्र आंदोलन कहीं से उचित नहीं है, संपत्ति को जलाना कहीं से उचित नहीं है, और ये जो कर रहे हैं वो या तो नासमझी में कर रहे हैं या फिर वो बात नहीं समझ रहे हैं। अग्निपथ वीरता स्कीम जो प्रधानमंत्री ने लाने का काम किया, चूँकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सर्विस 4 साल के लिए दी जाए, उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो जाए, ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसको 14 साल के लिए करना चाहिए था कम से कम, क्योंकि 14 साल जो देश की सेवा करेगा कोई भी आदमी सैनिक बनकर, और सैनिक ट्रेनिंग लेगा और सैनिक बन के सरहदों की सीमाओं को वो सुरक्षित रखेगा पूरे भारतवासी के लिए, इसके लिए उनको चाहिए था कि 14 साल इसको किया जाए। चूँकि एक बात छन के आई है कि इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, जो हमारे देश के बहुत सारे जिला की उतनी आबादी है, उतनी आबादी इजराइल की है। इजराइल में ऐसा रूल है कि औरत मर्द या वोमेंस कह लीजिए या जेंट्स कह लीजिए, सबों को सैनिक में ये दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है 4 साल के लिए, 3 साल के लिए उसको इसमें लाया जाता है कि वो ट्रेंड हो जाए, हथियार चलाना जाने, दुश्मन से उसको लड़ना है। लेकिन अपना देश विशाल भारत है, जहाँ 1 अरब से ऊपर की आबादी है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, यहाँ ये स्कीम लाना हम कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता सरकार की समझते हैं, क्योंकि ये दूसरे देशों का थोपा हुआ व्यवस्था है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और विरोध जो कानून सम्मत है, जो संविधान सम्मत है, ये करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे पास बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार के तहत हम इस काम को अंजाम दें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये मांग करें। चूँकि ये सरकार हमेशा पहले अड़ियल रवैया अपनाती है, केंद्र की सरकार को आप तानाशाह सरकार कह सकते हैं, ये अड़ियल रवैया किसानों के लिए भी ये अड़ियल रवैया अपनाई, 700 से ऊपर किसान का खून हुआ, और फिर उसके बाद
वो बैकफुट पे आ गए, फिर वो बैकफुट पर आए और माफी मांगी। ठीक है खान साहब, फिर हम बात करेंगे आप इस मुद्दे पर एक बार दोबारा, पहले हम साथी हैं ठीक है बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम प्रोफेसर मीनू पाठक हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी की महिला सेल की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप बताएं मैडम कि बीजेपी बार बार यह बात कह रही है, अभी कई पीसी हम लोगों ने देखा है, जो बीजेपी के नेता है उनका कहना है कि यह जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने बच्चों को जो छात्र हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं बहका करके इस तरह की घटना घटवा रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए यह बहका करके यदि इस तरह का अंजाम देना चाहते थे तो इतना आक्रोश लोगों में नहीं पड़ता। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसके बाद आप 4 साल के लिए उस युवा को आप इस पे बांधना चाहते हैं, उससे सेवा लेना चाहते हैं। जो युवा का गोल्डन पीरियड वो एज होता है, जिस एज में सत्रह से बाईस साल की उसका उसी में अपना भविष्य बनाना रहता है, उस भविष्य को चार साल में आप सीमित करना चाहते हैं। बच्चा और आगे कहाँ जाएगा, उसका आक्रोश कैसे नहीं फूटेगा? वो आक्रोश में अपने ही धन अपने जला रहा है वो, क्या उनसे उनके माँ बाप भी नाखुश होंगे, उनके समाज भी नाखुश हैं, लेकिन वो अपना भविष्य देख रहा है। ये अरियल रवैये जो सरकार की है, जो सरकार सुनती नहीं है इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, तो उग्र प्रदर्शन कर रहा है बच्चा लोग अपने भविष्य रोजगार के लिए मर रहा है। उस देखिए इसमें किसान नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग नहीं होंगे, केवल छात्र नौजवान है जिसको अपने भविष्य बनाना है, जो हमारे भारत वर्ष का भविष्य है, मेरे भारत वर्ष का शान है, मेरे भारत वर्ष का गौरव है, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है इस आक्रोश में। ठीक है मैडम, फिर हम बात करते हैं आपसे। आपका नाम क्या है? मनोज मिश्र, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मधुबनी। मनोज जी आप ये बताइए कि यह जो संपत्ति जलाई जा रही है, नुकसान किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कहीं से भी इसे उचित तो नहीं ठहराया जा सकता है, परंतु जिस प्रकार से आज छात्र नौजवान एवं बच्चों का भविष्य खतरे में है, इस खतरे से महसूस कर रही है उसका भविष्य खतरा में आ गया, आखिर रोजगार करे तो क्या करे, नौजवान को रोजगार नहीं मिले, छात्र नौजवान को पढ़ाई की उचित व्यवस्था न हो, तो छात्र को मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो हम छात्रों से आग्रह करेंगे कि जब तक न हो सफल निंद चयन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, छात्र आंदोलन यदि आंदोलनरत रहेंगे तो इस सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा, और ये सरकार अगर झुकेगी तभी इस देश का और छात्र नौजवान बच्चों का कल्याण। मनोज जी क्या आंदोलन जारी रखे ट्रेन जलाकर? नहीं, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि ट्रेन जला करके अहिंसक आंदोलन भी किया जा सकता है। आप समाहरणालय के समक्ष धरना दें, प्रदर्शन दें, आप प्रधानमंत्री आवास के कार्यालय के समक्ष धरना दें, लेकिन सरकार हिंसक आंदोलन न होने दे। सरकार चाहती है कि आंदोलन कहीं ना कहीं हिंसक हो ताकि अन्य मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। फिर आप इल्जाम लगा रहे सरकार पे, सरकार क्यों चाहेगी कि भाई हिंसक ही हो? सरकार इसलिए चाहती है, हम ऐसा कह रहे हैं कि जब आप अभी देखे हैं कि वर्तमान में जब कश्मीर की मुद्दा थी, पंडितों की विस्थापन की बात थी, पूरे देश में जब मीडिया में हाईलाइट होने लगा था, तो सरकार एक नेता को अपने भाजपाई नेता को नूपुर शर्मा को आगे करके मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद पे मैंने गलत अल्पबाजी की, जिससे कि सारे देश में क्या हुआ, नफरत फैला और अहिंसक आंदोलन हो गया। तो सरकार जानबूझ के चाहती है कि ऐसी आंदोलन हो और बातों को डाइवर्ट किया जा सके, एक बात को डिल्यूट किया जा सके दूसरी बातों से। सर आपका क्या नाम हुआ? पवन कुमार यादव, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस। पवन जी आप ये बताइए कि जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में का जो नुकसान है इसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन सरकार आज जो आंदोलन चल रहा है आपको इसके पीछे 2014 में जाना होगा, 2014 से आज तक ये सरकार जो भी योजनाएं लाई है उस तमाम योजनाओं में कंट्रोवर्सी रहा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपकी कोरोना मैनेजमेंट हो, तो ये अपना गलती को छुपाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में ऐसा कर रहा है, क्योंकि सारे बैंकों को बेच रहा है, तो यहाँ का युवा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? वो पढ़ लिख के सर्टिफिकेट लेके रोड पर बुआ रहा है, दो दो साल जो आदमी धूप में पसीना बहाता है, सड़क पर दौड़ता है, अपना फिटनेस लेवल मेंटेन करता है, और उसको आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो तो क्या करेगा? वो तो हतोत्साहित हो चुका है, तो हतोत्साहित युवा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये जो उम्र है ये बहुत ताकतवर उम्र है, इसको आप जैसे लगाइएगा वैसे जाएगा। 68% आबादी वाला देश आज जिस तरह से जा रहा है कहाँ जाएगा युवा? युवा के लिए अपना रास्ता जो अंधकारमय दिख रहा है, इसलिए मजबूरी में ऐसा कदम उठाया जो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश गांधी का है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव शेखर झा हुआ, मैं बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर। राजीव जी आज भी मधुबनी शहर हेडक्वार्टर के भाजपा
ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि ये अपोजिशन की साजिश है जो वरगला कर बच्चों को भटका कर, या जो है अभी जो भी तोड़फोड़ का कार्यक्रम चल रहा है बिहार में हो या फिर बिहार से बाहर हो, अपोजिशन करवा रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन का किस आदमी को आपने देखा है उस छात्र आंदोलन में? आपने किसी को देखा है? कोई अपोजिशन लीडर उसके साथ है? नहीं है। और जब भी आंदोलन हुआ है तो छात्र ही आगे होते हैं, छात्र आंदोलन करते हैं। इससे पहले भी मधुबनी जला था तो छात्र आंदोलन से ही जला था। एक छात्र इसको आपको याद ही होगा, 11-12 की घटना है। तो छात्र आंदोलन में कहाँ कोई पार्टी आता है? छात्र आंदोलन भी में भी तो पार्टी आ गई ना। कांग्रेस का एक अलग है, भाजपा का अलग है, एबीवीपी का अलग है। आपने देखा है कि क्या कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आरजेडी या लोजपा जो मधुबनी जिला में या बिहार में है पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टी और नेशनल पार्टी, उनका कोई भी लीडर को देखा है आपने? कोई लीडर उसके साथ नहीं है। उसके साथ वो छात्र अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ रहा है, उसको अपने रोजगार की चिंता है और उसके लिए वो लड़ रहा है। जैसा कि आर्मी में जाने वाले जो उम्मीदवार हैं, छात्र हैं, उनका कहना है कि यह राजनाथ जी के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, और लोग बहुत ही अब्यूज़ भी करते हैं, अब्यूज़ भी करता हुआ देखा गया, हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया था इसको। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या यह सही है इस तरह से बोलना? देखिए, बीजेपी पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसमें राजनाथ सिंह कुछ बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, और अगर राजनाथ सिंह बोलेंगे तो उसको खंडन करने के लिए कोई दूसरा आ जाएंगे, कोई दूसरे मिनिस्टर आ जाएंगे। तो ये चलता रहता है उनका, कोई अपने पे भार नहीं लेता है। अगर आप प्रश्न करें क्या बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से, तो जवाब देगा आपको विदेश मंत्री। इस पार्टी में आपने देखिए 14 साल से करीब 14 अनुवाद यही चीज़ हो रही है, और इसको भी वो दबा देंगे इसी तरीके से। वो राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत ये सोच था और प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोला था, बस खंडन हो जाएगा, मीडिया में आ जाएगा, मीडिया उस पर चर्चाएँ चलती रहेगी, टीवी पे एंकर्स बैठेंगे और उसको दबा देंगे। तो अभी आपने देखा कि कैसे अग्निपथ योजना के बारे में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लीडर जो हमारे साथ बैठे थे, उन लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखने का काम किया है। आपसे निवेदन है कि अगर आप छात्र हैं या उम्मीदवार हैं तो कम से कम आप विरोध जरूर कराएं, दर्ज कराएं, लेकिन जो संपत्ति है, इसलिए वो संपत्ति सरकार की नहीं बल्कि आपकी है, उसे आप नष्ट न करें। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।